नंबर पांच जो आपके लिए आया है, आज चार पेज अब तक मैं दे चुका हूं, और ये हरियाणा जीके का जो है पार्ट दो है भाई, ठीक है। इससे पहले अपन 75 पेज जो पढ़े थे वो भाग नंबर एक का हिस्सा था, आज वो पार्ट दो है। पार्ट दो के पांच पेज आ लिए हैं, जिसने जो आज आया हो या मान ले जिसने पहले डे चार ना मिले हो वो संस्था में संपर्क करे जाते हैं। जिस आपकी छुट्टी हो जाए तो आप एक बार मैडम तो हमको जी चार पेज हमारे दे दो, ठीक है। रूटीन का एक पेज आपने यो पढ़ना है, टॉपिक का लगता है। तो पहला प्रश्न देखो इस पेज का, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कड़ा है भाई, गुरुग्राम में है भाई, कड़ा है, और सौर संगठन का मुख्यालय भी कड़ा है। एचआर जीके भाई भी क्या आपके बीच पहुंचे हैं, लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे जो है हालात सामान्य होते जा रहे हैं भाई। दो तीन प्रश्न गुड़गांव ताजा हैं, कितने देशों का सौर संगठन है भाई, 121 देशों का सौर संगठन है। अरे 121 है मान लो, भले एक मैं भी जोड़ दूंगा, हाँ 121 देशों का सौर संगठन मुख्यालय बना था, कड़ा बना था यो गुरुग्राम में बना था ना, इसलिए गुरुग्राम का एक उपनाम और बना दिया, क्या नाम है, सौर सिटी, क्या कहा जाए इसको, हरियाणा की सौर सिटी किसे कहा जा है, मैं पूछूं हरियाणा का मिलियन शहर किसे कहा जा है, हरियाणा की साइबर सिटी, हरियाणा की मनोरंजन सिटी, सपनों की नगरी, तो कहने का मतलब यो एक उपनाम पूछा जा सके वो गुरुग्राम से आ सके। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का प्रशासक, प्रथम प्रशासक कौन था, MSA रंधावा जी बे, तो उस अजय देवगन वाली फिल्म में रंधावा खानदान तो मिलन जा अजय देवगन, वो सरदारा ने सरदार हो ना रंधावा होंदा कोई यो शब्द अड़ता रहे, अजय देवगन ने चंडीगढ़ जी के पढ़ी थी, ठीक है ना। तो रंधावा जो है वो अड़ता था भाई, रंधावा वो कौन सी फिल्म हुआ, सन ऑफ ए, बहुत बढ़िया, हम ऐसा ही लाग जाओगे तो थारे छोरे फिल्म बनाओगे सन ऑफ ऐसा ही, ठीक है ना, तो ये चलता रहता है। दो तीन बात लिखो, चंडीगढ़ की स्थापना बेरा होनी चाहिए, पूरी तारीख बता करो, बहुत बढ़िया लिखो, 2 अप्रैल 1952 को चंडीगढ़ को स्थापना की गई। फिर नू पूछेगा इसका किसने करी थी, पंडित जवाहरलाल, इसके सपनों का शहर था यो, जो करता अरे सपने का था, हमने भी सपना लिया हुआ कि मैंने कि मैं के सपना ले रहा क्या भाई, जो भी अपनी मनोकामना पूर्ण हो। वास्तुकार पूछा तो बहुत ही फैंटास्टिक भाई, ली कार्बुजियर इसका वास्तुकार कड़े का था यो, फ्रांस का। दूसरा ये तो हो गया वास्तुकार, एक हो गया इसका प्लान किसने तैयार कराया था, चंडीगढ़ का प्लान कराया था अल्बर्ट मेयर ने, किसने कराया था, अल्बर्ट मेयर द्वारा चंडीगढ़ का प्लान तैयार करेगा यो कड़े का था, अमेरिका, बहुत बढ़िया, इतनी होशियार क्लास मैंने नहीं देखी अपने करियर में, ठीक है ना, अल्बर्ट मेयर कड़े का था। नेक्स्ट पर्सन देखो, एक एक दो दो बताऊंगा, संबंधित सारे नहीं कराऊंगा, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, 213 भाई, कौन सा अनुच्छेद है, 213 के तहत जो है राज्यपाल जो है राज्य में अध्यादेश जारी कर सके, बहुत बढ़िया बात है यार, किसी राज्य में एक राज्यपाल होगा किस अनुच्छेद के तहत, बहुत बढ़िया लिखो, 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा भाई, अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 2019 में जो है नायब तहसीलदार का पेपर हुआ था, उसमें मिलान करने आ गए थे ये नू, कहने का मतलब यो अनुच्छेद दे दिया भाई, 153 अनुच्छेद दे दिया, 154 अनुच्छेद दे दिया, 155 अनुच्छेद दे दिया, 156, तो उसमें क्या करे भाई, मिलान करो ए बी सी या डी, इसमें ऑप्शन मान ले सी में दे दिया, किसी राज्य में एक राज्यपाल होगा, किसी राज्य में एक राज्यपाल होगा, किस तो मिला हुआ इसने, तो इसने ए तो मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार ये पूछा गया था, अनुच्छेद 154 में क्या है राज्य कार्य, राज्य का अनुच्छेद 154 राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होगा, लिखो राज्य कार्यपालिका, इस प्रकार आया था प्रश्न, इसीलिए बढ़ा मैंने, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अनुच्छेद 155 में क्या नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, बहुत बढ़िया फैंटास्टिक। और 156 में क्या है कार्यकालक,
क्या है? कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। तो इस प्रकार ये मिलान करना आगा, नुकानु प्रश्न आ रहा है, जाकर देख लियो। अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है, किस अनुच्छेद में? यो काल वाला 4 नंबर पेज में बताया था डिटेल में, 231 में। कौन सा में भाई? तो अपना कितना के लासा जा है? 3 हाँ 5 जम, एक तो पंजाब चंडीगढ़ और हरियाणा, पंजाब चंडीगढ़ और किस अनुच्छेद के तहत है? 231। मुझबानी बता दो, लिखन की टाल करियो, नु बताओ। पंजाब हाईकोर्ट सबसे पहले अकड़ा था लाहौर में, बहुत बढ़िया, अकड़ा था लाहौर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1919। लेकिन अधिनियम 1915, अधिनियम 1900। शिमला कब आया? 1947। 1900 शिमला से चंडीगढ़ कब गया? 1955। 1955 एक प्रश्न बहुत बार कम से कम 20वें पेपर में पूछा गया है। हरियाणा गठन के समय मुख्य न्यायाधीश मेहर सिंह था, कौन था? तो वर्तमान और बता दो, रविशंकर झा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। अगला प्रश्न, क्या भाई? 46 शायद, 35वां नंबर एक कन्फर्म कर लियो भाइयों, 40वां तो कौन है वो? फिर वो सुप्रीम कोर्ट वाला होगा शायद, है 48 का हो गया वो भी। तो एक बार कन्फर्म करके बताओ, एक बार 35वां है, कन्फर्म करो 35वां है। अगला प्रश्न, राज्य की प्रथम कचहरी की स्थापना कब की गई? 1919 में कड़ा की गई। तो लिख लो, राज्य की पहली कचहरी जो थी 1919 में कड़ा बनी थी जज्जर में। अगला प्रश्न है, राज्य 35वां कर लियो भाई, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा जो है 35वां। राज्य में रॉबर्ट वाड्रा लिंक की जांच, लैंड लिंक, राज्य में रॉबर्ट वाड्रा लैंड लिंक की जांच किसके द्वारा की गई है? कौन सा आयोग बनाया गया है? डींगरा आयोग। पेज और आओ ना, तो उससे भी दे दियो, वहां रख लो इन्हें, पेज सारे ले लो भाई, रामबाण इलाज है। सड़कों की सबसे कम लंबाई किस जिले में है? पंचकुला में। देखो इसमें ना कच्ची दी ना पक्की दी, सीधा इन्हू पूछ लिया, कम लंबाई कड़ा है पंचकुला में। तो सबसे ज्यादा लंबाई भिवानी में है, उसमें कच्ची पक्की नहीं दे रखा, उसमें सारी आली, कच्ची भी आली, पक्की भी आली, गोरी भी आली, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा पूछे तो भिवानी, और सबसे कम पूछे तो पंचकुला। अगला प्रश्न है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हरियाणा के कितने जिलों से गुजरता है? 13 जिलों से। कितनों से? 13। बहुत बढ़िया भाई। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 163 के तहत। अनुच्छेद 100। गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी। तय, गगन नारंग कौन सा खेलता है? हरियाणा निशानेबाजी अकेडमी कड़ा है फरीदाबाद। लिखो तो, शूटिंग आ जाए, निशानेबाजी आ जाए, क्या बात है। हरियाणा शूटिंग एकेडमी जो है वह है फरीदाबाद में है, और जो साथी गुरुग्राम में बता रहे थे उधर टेनिस अकादमी है, लिख लो राष्ट्रीय टेनिस अकादमी लिखो गुरुग्राम में, निशानेबाजी लिखो फरीदाबाद में। और अगला पेपर में 200% गलत होया करे, बॉक्सिंग अकादमी, हाँ रोहतक में, बयानी में नहीं है, लिखो बॉक्सिंग अकादमी रोहतक। तीनों इकट्ठी लिख लो ताकि हमने नुबेरा पड़ जा कि पेपर में एक प्रश्न भाइयों से पेज दे दियो, और टेम पा करो, इब लेट हो जाओ तम। मैं आप पहली क्लास लेन ला गया, ले उड़ा दर लिए, कोई पाछे ना हो ना तो उनसे पकड़ा दिए। चलो कोई नहीं, चलो अगला प्रश्न देखो भाई, लीलो चमन सांग के रचयिता कौन है? और फिर मैं ये सांग सुंग बताऊं ननु हंग ये के पेपर में आवे ये। तो लीलो चमन सांग किसने लिखा? लीलो चमन गाना सुना है? हाँ,
छोड़ा भाई, वो तो मानता हूँ, मैंने मैं गाता हूँ लेकिन मुझे आता नहीं है, मैं मानता हूँ। सच में साथ बता ले लो के खुशी मन हारी से के बुझ नूना गाया था ना, बाकी वो लय नहीं बन पा रही मेरी। लेकिन आपने एक चीज ध्यान रखनी, वो सांग किसने लिखा था? धनपत सिंह ने भाई। ओके रिपोर्ट। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक की राशि कितनी दी जाती है? ये तीनों राशि लिख लियो, नया नया खेल होगा, एक पेपर में 200% पाओगे भाई। स्वर्ण पदक खातर है 6 करोड़, उसके बाद कौन सा पदक है? रजत 4 करोड़, और कांस्य खातर है, कांस्य खातर 2.5 करोड़ कितनी है? भाग लेने वाले को, भाग लेने वाले को 15 लाख। लेकिन पहले आके करता खिलाड़ी जो है वो भाग ले पाना, उसके बाद दिया जा करता उस तरह राशि जो थी, हारना या जितना बाद में या राशि दी जा कर दी। एक दो हरियाणा सरकार ने केक रैस के 2 टुकड़े कर दिए, 5 लाख तो पहले ही दे दिए ओलंपिक में जानते पहले, और 10 लाख आने के बाद देवेंगे, हारो चीज जीतो वो अलग हैं। ये भाग ले लिया ना उनका सिलेक्शन हो गया तो 5 लाख रुपये बहनू है ओलंपिक तक पहले गोली दवाई या कि मैं खाना पीना है अपना जो भी सामान है खिलाड़ी का जो बहुत खर्चा हो तो 5 लाख पहले ये बागला वो पीछे का भाव में बेचारा खान पीन तो रह जाया करता तो कम मेडल आया कर दे। जो है सरकार का वह है भाई ये 5 लाख रुपये ले अपना तो घी खाना है, बादाम खाना है, प्रोटीन खाना है, खा तू और जा का उड़ा। देखो मैंने जी पहले भी वीडियो बनाई उस टाइम अपने जो ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी थे 29 थे, लेकिन आज करंट अफेयर में 31 हो गए, लिख लो भाई क्योंकि वो दोयान और क्वालिफाई कर लिया है, लिख लियो 31 हो गए। आज आर अखबार में आ रही है 31 दो खिलाड़ी यहाँ अपने उनका ग्रुप बना दिया, कौन सा काट दिया सवेरे आर अखबार में पढ़िया हूँ तो हम रात आली पढ़ रहे हो के भाई। आज आर अखबार में आई है 31 खिलाड़ी ओलंपिक में गए हैं, चयन होया है उनका, आ जाओ बैठ जाओ। उसमें 31 खिलाड़ियों का खेल मंत्री का ग्रुप बना दिया भाई, जो भी समस्या है ना खेल मंत्री सीधा व्हाट्सएप तक जोड़ दिया उनते। हरियाणा का खेल मंत्री कौन है? तो संदीप सिंह ने एक ग्रुप बना दिया भाई, इन खिलाड़ियों से जो भी कोई समस्या है सीधी बात करो, वीडियो कॉल कर सको आप सीधे, हम नहीं कि दो ओलंपिक में जा रहे हैं। लिख लिया तो 31 लिख लो, पहले 29 लिखवाए देने, इनमें घटे बदेंगे तो फिर ठीक करा दूंगा, वर्तमान में जियो 31 आज लिख लो, जब 32 हो गए तो भला, और 30 रह गए तो 30 करा देंगे। ये वो तो पेपर है को नहीं, कल भी तो क्लास लूँगा, आज आखिरी थोड़ी है। हाँ आगे बढ़ो, लॉकडाउन न तो जान दो यार, मुश्किल था तो खोला, हाँ फिर लॉकडाउन लगवा दो। अगला प्रश्न देखो, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना कब शुरू हुई? 4 अगस्त 2000। इसमें क्या करवाया था? गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बेटी स्कूल में ध्वजारोहण करेगी, लिखो, जो उस गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बेटी होगी वह ध्वजारोहण करेगी, स्कूल में जाकर झंडा फहराओगी, इसका यह था लक्ष्य। लिख लिया। अगला प्रश्न है, सेमेस्टर सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? हरियाणा में सेमेस्टर सिस्टम लागू कब होया? 2000। समाप्त कब होया? तो लिख लो 2016-17 में समाप्त हो गया भाई, सेमेस्टर सिस्टम 2016-17 में समाप्त हो गया। कसूता था वो भी निरे नंबर आ कर दे, फिर सेमेस्टर सिस्टम की भी इसी तीसी कर दी थी बोर्ड में। 10वीं क्लास में बोलिया पन समय के पन से वो तो एक आधाऊ बना रखा हुआ इतने, अरे पन समय का पन से यहां से कहीं इतने थाम बुद्धिजीवी हो, देख कि इतनी बहस बोर्ड ने पास करे थे, रिश्ता थोड़ी कराया था, अर पान से एक का सगुन हो है,
हमने भी तो बेरा 500 में का 500 हो तो वो एडिटिंग करा क्यों किसे ने भाई 500 में का 500 कितने बहुत गने हो जाए हैं बात सुनो गामा में शिक्षा का लेवल खड़ा एक बिल हटा दिया सरकार ने एक एक गाड़ में 500-500 नंबर लेनी है बड़का की साइकिल बाजी आंडे दी क्या कितने आ रहे दसवीं में 500 न्यारिये मरोड़ दी बिचारे हैं कि कोनी चाली दी गई दोबारा आऊंगे नंबर है पेपर होंगे चलो कोई नहीं बतेरे भाई लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा जो पोस्ट विभाग में भर्ती निकला है ना पोस्ट विभाग डाकखाने में वो केवल है ना उसमें ना तो कोई इंटरव्यू होता ना कोई टेस्ट होता उसमें परसेंटेज हो है इब ये दसवीं आले इनका 100-100 नंबर आ गए ना थारी दसवीं लियो मेरे सामने 500 के 500 तो थारा किसे को ने बूढ़ा डाकखाने में देखो डाकखाने में क्या होगा भर्ती लिखाड़ी भाई 500 बालका की भर्ती लिखाड़ दी डाकखाने में लेकिन ये 100-100 नंबर आले हैं 2000 उड़ा लेने 500 फिर उड़ा वो फैक्ट्री काम कर रहा ए जाड़ा जो बड़ी उम्र का होगा उसने ले लेंगे अगर तय क्या तरह गया रनू मिला मैं सोनू तो 3 दिन छोटा था इप नंबरा का खेल कोनी इप छोटे बड्डे का रोड़ा होगा ठीक है ना तो यो नंबरा का रोड़ा खत्म कर दिया सरकार ने इब दिना वाली है बात तो इस हिसाब से दिना के हिसाब से सिलेक्शन होंगे अगला प्रश्न आली पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी पहला किसने मिला था रामकृष्ण तमन्ना तमन्ना रामकृष्ण दोनों भाण भाई है के नाम है यो हाँ ठीक है तो आली पुरस्कार कौन देवे है संस्कृत तो आली देन लगी उर्दू अकादमी लिखो हरियाणा उर्दू अकादमी देती आली पुरस्कार हरियाणा बैठ जाओ कह रहा शीशे का सारा बैठोगे अगन आ जाओ ना यार ये खाली पड़े ही तोड़ने बैठ जाओ इतना गर्मी हो इतना क्लास पूरी कर दें यहाँ पर तो यो देखो दो बात याद रखनी आली पुरस्कार जो हरियाणा उर्दू अकादमी देश का गठन कब हुआ था 1985 लिखो हरियाणा उर्दू अकादमी का गठन पूछा तो 1985 लिख लो आगे बढ़ो हरियाणा साहित्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1975 प्रथम व्यक्ति कौन था डॉक्टर है जगदेव सिंह आली पुरस्कार तो राष्ट्रीय स्तर पर भी तो दिया जाए आली तो आप यो तो हरियाणा में तो हरियाणा 66 में बना है आली पुरस्कार हरियाणा में शुरुआत या हुई थी इससे पहले भी दिया जाए आली पुरस्कार तो यह मैंने देश की नहीं लिखवाई है हरियाणा की लिखवाई हरियाणा में इसकी शुरुआत कब हुई थी हो गए भाई पूरे प्रश्न चलो समय बच रहा है एक बहुत ही बेहतरीन जिला कराएंगे आज पंचकूला जिला पढ़ाएंगे भाई अरे उसमें गए को बड़ा डस्टर ले ठाक है जो 4 नंबर पेज पढ़ा है उसका गेला कौन सा टॉपिक पढ़ा था प्रमुख नगरों के संस्थापक पढ़ाए थे ना एक दिन डस्टर लेने जा रहा है इतना जल्दी बता दो उचाना किसने बसा था गाड़ सिंह ने किसने इशारे फिरोजा फतियाबाद आसी कृतिराजे भिवानी नीमपाल सिंह कवर नीमपाल सिंह रोहतक रोहतक इन सारे चुप रही हो जिस तक पूछा जा खड़ा हो गए किसी ने नहीं बताना है जल्दी खड़ा हो जल्दी इतना टाइम को नहीं सुनने का गुड़गांव किसने बसाया था इतना मोट होट हलाए था मैं गुंगा का मास्टर थोड़ी हूं देख लो एक सुने आया बताओ क्या कमाल किसने बताया छोरी सुना देंगे बताओ ये बिलोद शाह किसने बिलोद शासक दलेल का बिलोद शासक है बैठ जा हाँ इनू का यो ही बताया था चलो कोई नहीं अगला सुनू बहुत बढ़िया
रेवाड़ी किसने बसाई थी? राजा रेवत ने। राजा गोहाना पृथ्वीराजे पानीपते राजा दंडपति राजा राजा यमुनानगर अब्दुल्ला सेठ ने। अब्दुल्ला बहुत बढ़िया साथियों, आज लिखो पंचकुला। पंचकुला भाई, बहस ही आवाज ना करो, बंद हो। सबसे पहले लिखो दिशा, उत्तर दिशा में है, बरेकट में लिख लियो उत्तर पूर्व। लिख लिया भाई, ये मुंह पाड़ रहे, ये लिख लियो कॉपी में, तो सब का लिख रहा क्या है फौजी साहब ने, चार पर लिख लिया। स्थापना 15 अगस्त 1995 में हरियाणा में क्या आई थी? बाढ़ में सब तक ऊंचा जिला बसाया गया था पंचकुला। दिशा पूछा तो उत्तर है। स्थापना 15 अगस्त 1900। बहुत ही बेहतरीन तहसील, जो जिला होगा वो क्या होगा? पंचकुला, कालका, रायपुरे, रानी के हैं ये तहसील है भाई। उसके बाद उप तहसील है। बहुत बढ़िया। बरबाला, बरवाड़ा पूछू तो कड़ा है, बरबाड़ा कड़ा है पंचकुला में। और दूसरा कौन सी है? मोरनी। क्या है भाई? क्षेत्रफल बताओ, कसुते याद हो गए तारे तो, कितना है? 800 वर्ग। बहुत बढ़िया, सारे चुप रहे हो, जिस तक पूछा जावे बताओगा। इव निचन नाड कर लेगा, घरे निचन नाड कर पाऊंगी। बताओ कितनी है? 561200। कसुते याद हो गए भाई। उसके बाद बताओ दशकीय वृद्धि दर 19.3% के इसकी। साक्षरता दर 83.4%। 38.3 भी आ जाओ लड़ियों ना आपस में, ठीक है। उसके बाद अपना जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना आ रहा है? 600 में रह तो निगा है। लिंगानुपात 873 लिख लो। लिंगानुपात कितना है मेरे भाइयों और बहनों? ये जितने भी आंकड़े हैं 2011 के अनुसार हैं। हरियाणा या देश में 10 साल में जनगणना हुआ है, चोखा 2021 में जनगणना होनी थी, चोखा ना हुई। नू क्या तक हो जी, जब दोबारा जनगणना होगी ना, ये मुश्किल था तारा याद कराएं, दोबारा फिर याद करने पाऊंगे। आड़े लिंगानुपात पाओगा 900 पार, साक्षरता पाओगी 200 पार, क्योंकि साक्षरता तो बढ़नी है जी, 100-100 नंबर दे रखे हैं। तो गंतव भी मेरे हिसाब में गणाया हुआ पाओगा। दो भाई थे वो न्यारे हो गए होंगे 10 साल में, तो के दो नया ब्याह पाचत एक के साल में न्यारे होले हैं, तो 10 साल में देखो कितने के ब्याह हुए होंगे, तो आंकड़े बिगड़े पाओगे। जय आंकड़े ने याद करोगे, जय गलती तो पेपर तक पहले कोई खुदाई शुरू होगी तो उड़े भी केवर के लिख दिया हुआ। तो कहने का मतलब मेरा ये, मेरे भाई को लाग जाओ, हाथ जुड़वा लो,
कई चेहरे तो इसे हैं जिन मन्नत देख के भी नून लगा रहा है मेरे गेल गए हैं वह तो लाग जी हो भैया एक बार आंख मीच के बता दो सैड देनी बोर्ड साफ करो इतना पंचकुला किस दिशा में है स्थापना कब हुई कालका किस जिले में रायपुर रानी मोरनी बरवारा जनसंख्या कितनी है 5,61,200 जनसंख्या घनत्व 600 साक्षरता दर 83.4 ई भाई नामकरण लिखो नामकरण नामकरण है पांच झरनों के कारण झरनों के कारण इसने पंचकुला कहा जाया ये झरने ऑप्शन में ना मिले तो पांच कुएं कुएं का ब्रेकट में कूप भी कर लो और कई जगह पांच नदी भी पा जाएगी यो के कर वैद्या जी डाउट हो गया अरे एक के पाग ऑप्शन में तीनों पागा तो एक ऑप्शन नो भी पाग रड्डी उपयुक्त सभी ठीक है भाई यो तो नामकरण है इसका उपनाम के हैं नंबर एक चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर लिखो चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर नंबर दो नहरों की सिटी नहरों की लेकिन तार पूछू नदियों है नहरों का शहर टोहाना टोहाना कड़ा है बहुत ही बिंदास अगला लिखो इसका नाम एक और है नैनो सिटी नैनो और इसका एक जगह और साझा है ट्राई सिटी में कड़ा है ट्राई सिटी में इसका साझा है 1,00,000 उड़े हैं तीन कौन से पंचकुला चंडीगढ़ और मोहाली तो ट्राई सिटी किसे कहा जा है पंचकुला चंडीगढ़ और मोहाली ओके रिपोर्ट ईब लिखो भाई पंचकुला हरियाणा का लिखे जाओ बोर्ड बना लिखूं पंचकुला हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है पंचकुला हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है यह हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है यह हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जहां कोई भी जलोढ़ मैदान नहीं है जहां कोई भी जलोढ़ मैदान नहीं है पंचकुला की कालका तहसील को पंचकुला की कालका तहसील को गिरिपाद मैदान की तहसील कहा जाता है पंचकुला की कालका तहसील को गिरिपाद मैदान की तहसील कहा जाता है इस जिले में सबसे कम नदियों व नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है इस जिले में सबसे कम नदियों व नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है पंचकुला जिले में सबसे ज्यादा ४२.५४% वन पाए जाते हैं ४२.५४% वन पाए जाते हैं जो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा है इस जिले में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है
जिसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। लिख लिया भाई? उसके बाद लिखो पिंजौर, पिंजौर लिखो, पिंजौर। पिंजौर का प्राचीन नाम पंचमपुर था, पिंजौर का प्राचीन नाम पंचमपुर था। महाभारत काल में यह स्थान अरे यो सुत्या पड़ा है, एक तो गेट का सहारा आला सिर पकड़ रहा के। महाभारत काल में यह स्थान है राजा विराट की राजधानी था। महाभारत काल में यह स्थान है राजा विराट की राजधानी था। इस स्थान पर जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में आम मेले का आयोजन किया जाता है, पिंजौर में एचएमटी उद्योग की स्थापना,1963 में की गई। ब्रेकेट में लिख लियो घड़ी उद्योग लगा आ था पहले। पिंजौर में एचएमटी उद्योग की स्थापना 1963 में की गई। ब्रेकेट में लिखो घड़ी उद्योग। उसके बाद लिखो ट्रैक्टर उद्योग की स्थापना 1975, ट्रैक्टर उद्योग 1975 लिख लिया भाई। उसके बाद लिखो झील, पंचकुला में कौन सी झील है? टिक्कर ताल झील, लिखो टिक्कर ताल। पंचकुला में झील लिखो टिक्कर ताल झील। गुरुद्वारा लिखो नाडा साहिब गुरुद्वारा, जल्दी जल्दी लिखो, 5 मिनट में लिखो। गुरुद्वारा है नाडा साहिब, लिख लिया। मंदिर लिखो मनसा देवी व भीमा देवी, मंदिर लिखो मनसा देवी मंदिर व भीमा देवी मंदिर, लिख लिया। उसके बाद लिखो खेल स्टेडियम, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, जी थारा फिजिकल होगा हरियाणा पुलिस का, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला। प्रजनन केंद्र लिखो जटायु व गिद्ध, एक के बाद है, जटायु प्रजनन केंद्र पंचकुला, गिद्ध प्रजनन केंद्र पंचकुला। कुकरे आ जा पेपर में, सही एक है जो छोटी छोटी चिड़िया आकर दी ना, गोरिया का आकर दे उन्हें दिखे, गोरिया गोरिया मतलब चिड़िया का हो क्या आकर दे, वो गोरिया प्रजनन केंद्र भी पंचकुला में है, चिड़िया प्रजनन। बड़े कटमत आ रहे समझ में आ जाएगी, लिखो चिड़िया प्रजनन केंद्र। लेकिन ध्यान रखना गोरिया पर्यटन स्थल कड़ा है बहादुरगढ़ में है भाई, गोरिया पर्यटन स्थल पूछा तो बहादुरगढ़ में है, लेकिन प्रजनन केंद्र पूछा तो कड़ा है साथियों पंचकुला में है, ठीक है भाई। उसके बाद वन्य जीव अभयारण्य लिखो खोल ए रेतान, पंचकुला में जो वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? खोल ए रेतान, एक तो यह है, दूसरा एक और तो है बीर शिकारगढ़, लिखो तो जल्दी लिखो भाई बीर शिकारगढ़। ये नाम नाम लिखवाए हैं, मैं के पा जाए के नहीं पा जाए वाला टोपी का फेरियो, लिख लिया। उसके बाद लिखो मिट्टी, जल्दी लिखो बस, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी लिख लिया। नदी लिखो घग्गर कौशल्या सिरसा, नदी लिखो घग्गर कौशल्या सिरसा, एक जिला भी है सिरसा या नदी, लिख लिया भाई। उसके बाद लिखो फसल,
सबसे ज्यादा फसल कौन सी हुए हैं? सबसे ज्यादा लिखो मक्का हुए है और अरहर। अरहर और मक्का दोनों सबसे ज्यादा कड़ो हैं पंचकुला में, लिख लिया। उसके बाद लिखो कालका से शिमला के मध्य है, कालका से शिमला के मध्य है नैरो गेज रेलवे लाइन, कालका से शिमला के मध्य नैरो गेज रेलवे लाइन 1891 से 1903 के मध्य बिछाई गई। तो 91 लिखवा होगा, 98 यो लिख लियो, 98 किसे सुन रहा हो तो यो लिख लियो, 1891 से 1903 के मध्य बिछाई गई। 2008 में इसको विशेष धरोहर में शामिल किया गया, 2008 में इसको विशेष धरोहर में शामिल किया गया, लिख लिया। उसके बाद लिखो रामगढ़ का किला, रामगढ़ का किला जल्दी लिखो भाई। यह किला अपने दरवाजे की ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, रामगढ़ का किला लिखो, यह किला अपने दरवाजे की ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसके दरवाजे की ऊंचाई 37 फीट है, जिसकी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है भाई, जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, रामगढ़ का किला जिसकी दरवाजे की ऊंचाई 37 फुट है, जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है भाई, लिख लिया। उसके बाद लिखो पंचकुला जिला में विधानसभा की 2 सीटें हैं, पंचकुला जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं, कालका और पंचकुला, लिख लिया। वर्ष 1929, अगली लाइन लिखो जल्दी लिखो, क्लास का टाइम हो गया साथियों। वर्ष 1929 में ज्ञानेंद्र जैन गुरुकुल की स्थापना की गई, ज्ञानेंद्र, वर्ष 1929 में ज्ञानेंद्र जैन गुरुकुल की स्थापना की गई, लिख लिया। उसके बाद लिखो यादवेंद्र गार्डन, प्रमुख सथलाम लिखो यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन नंबर 2 पर लिखो कैटस गार्डन, लिख लिया। बाकी बातें तो इस जिले की बच गई, कल पढ़ांगे, आज के लिए मेरी ओर तो इतना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत